हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, दैट इज़ साइनोविच कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइनोविच कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग हमने आइडेंटिफाई करना है कि एसिड कौन सा सब्सटेंस है और बेस का कौन सा सब्सटेंस है। ठीक है, इसमें नॉर्मली उन्होंने क्या बताया, जब भी हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, चाहे हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, चाहे हम बेस को एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएं, तब हमेशा हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, बट उसके अकॉर्डिंग क्या है, साइनोविच के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या देगा, कटाइन देगा। ठीक है, और कटाइन की एबिलिटी है कि वो अनायन और इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, इसमें एसिड वो सब्सटेंस है जो क्या कर सकता है, कटाइन को देगा, और कटाइन की एबिलिटी है कि वो एक्सेप्ट करे अनायन को और इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। ठीक है, अगर हम बेस की बात करें, बेस क्या है, बेस ऑल्सो भी एक्टिंग विद एसिड फॉर्मिंग अ सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट्स के साथ सॉल्ट्स की फॉर्मेशन होगी अगर वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और बेस उसके ऑपोजिट, एसिड के ऑपोजिट क्या देगा, अनायन देगा। ठीक है, और अनायंस की क्या, अनायंस देगा और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, अनायंस और इलेक्ट्रॉन्स की एबिलिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, उनकी टेंडेंसी है कि वो किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, कटाइन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर नॉर्मली बात करें, एसिड्स गिव अ कटाइन, बेस गिव अ अनायन। ठीक है, और ऑपोजिट्स को वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल किसकी ली है, HCl की ली है, किसके साथ, बेस हमने यूज़ किया NaOH। ठीक है, अब HCl क्या है, HCl। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ HCl, H क्या देगा, HCl क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, और अगर मैं बेस की बात करूँ NaOH, ठीक है, और इसने क्या देना है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें सॉल्ट की फॉर्मेशन होनी है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा, जो नेगेटिव है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव के साथ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा बना, हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई H2O प्लस NaCl। ठीक है, इसमें HCl है, HCl ने क्या दिया, कैटाइन दिया, उसने किसको एक्सेप्ट कर लिया, अनायन को एक्सेप्ट करके किसकी फॉर्मेशन कर दी, वाटर की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, दैट मींस दैट एक्टिंग एज अ एसिड, और बेस ने क्या देना है, अनायन देना है, अनायन उसने कौन सा दिया, OH नेगेटिव का अनायन दिया। ठीक है, वो किसके साथ कंबाइन किया, H पॉजिटिव के। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या कंसिडर किया, NaOH। ठीक है, HCl क्योंकि इसमें मोस्टली क्या है, वो क्या दे रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है। ठीक है, और NaOH क्या दे रहा है, OH नेगेटिव दे रहा है। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपस में कंबाइन करके क्या, किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड, दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन देखें, नेक्स्ट रिएक्शन में SO3 को रिएक्ट किसके साथ करवाया, कैल्शियम ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, कैल्शियम, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जो सल्फर ऑक्साइड है, वो दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड। ठीक है, वो एक्ट करेगा एज अ एसिड बिकॉज इट एक्सेप्ट अनायन। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने किसको एक्सेप्ट किया, अनायन। अनायन कौन सा है, ऑक्सीजन इज अ अनायन, उसको वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ एसिड, दैट एक्टिंग एज अ बेस। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल किसकी ली है, KCN की है। ठीक है, उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, FeCN2 के साथ रिएक्ट करवाया। जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें आयरन है, आयरन किसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो आयरन किसको एक्सेप्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज़ अ नेगेटिव डिस्चार्ज। ठीक है, जो कैल्शियम है इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या है, नेगेटिव, इसने नेगेटिव को क्या किया, एक्सेप्ट किया। दैट मींस दैट इज एक्टिंग एज अ अनायन, अनायन को आयरन ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मींस दैट एक्टिंग एज अ एसिड, और KCN एक्ट करेगा एज अ बेस क्योंकि उसने अनायन को क्या किया, दे दिया है। ठीक है, उसने डिनोट किया है। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल कॉपर है, कॉपर को किसके साथ रिएक्ट करवाया, Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, Cl2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्योंकि इसमें कॉपर
जस्ट एज अ मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, उसको जब हमने Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया वो किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव में. दैट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट किए, Cl2 ने. दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ एसिड, ठीक है, वो एक्ट करेगा एज अ एसिड, ठीक है. अब हम बेस की बात करें, ठीक है, बेस हमने Mg है, ठीक है, Mg भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा, ठीक है, और F2 है उसको एक्सेप्ट करेगा, दैट मीन्स Mg दैट इज एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है. इसमें ये भी बेस की तरह वर्क कर रहा है, ये भी बेस की तरह वर्क करेगा, ठीक है. जब हम एसिड और बेसिस को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, इसमें H पॉजिटिव जो HCl है वो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा, ठीक है. H पॉजिटिव आयन को कौन सा, दैट गिविंग अ कटायन, ठीक है, कटाइन को NH3 क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है. अगर वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ एसिड, ठीक है, जो HCl है क्योंकि उसने जो कटाइन दिया है, ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ एसिड, और NH3 उसने कटाइन को एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है. देन हमने उसके बाद किसकी रिएक्शन करवाई है, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, NH3 के साथ रिएक्ट करवाया. सेम चीज़ इसमें है कि इसमें जो अमोनिया है, सॉरी, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है, ठीक है, और जो अमोनिया है उसको H पॉजिटिव आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. दैट मीन्स दैट एक्सेप्टिंग H पॉजिटिव आयन, दैट मीन्स जो सल्फ्यूरिक एसिड है, दैट मीन्स दैट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड, और जो अमोनिया है दैट इज़ एक्टिंग एज अ बेस, ठीक है. इसमें हमने लास्ट नेक्स्ट एग्जांपल हमने किसकी ली है, पिरीडीन की ली है, ठीक है. पिरीडीन को हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसमें क्या है, जो नाइट्रोजन है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है दैट इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो वो क्या करेगी, नाइट्रोजन के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगी तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा, ठीक है. ऑक्सीजन के साथ ये इस तरीके से बॉन्डिंग बनाएगी, ठीक है. इसमें क्या है, इसमें जो पिरीडीन है दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो पिरीडीन है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और जो ऑक्सीजन है दैट एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है. जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है. तो उसी के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ साइनोविच एसिड, और जो डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स दैट एक्टिंग एज अ साइनोविच बेस. That is all about a Asinovich concept of acids and bases. Thank you so much.